Hi guys, welcome to my channel. I am live just now because I had promised Manna Day that I will come live. I don't know if unko pata chal gaya ki nahi. So I'm hoping ki pata chal gaya hoga and she'll come online because maine unko promise kiya tha four ki main aadhe ghante mein aaungi 4:30 baje to. हमारे यहाँ ना नीचे कोई बात करता है तो ऊपर इतना क्लियर आता है जैसे कोई पीछे मेरे से ही बात कर रहा हो. सो आई एम वेटिंग कि कोई अगर लाइव आ जाता है. ओके हाय, दिस इज इंडियन आर्मी प्रिंस रंका. ओके हाय, थैंक यू सो मच. क्या लिखा है? आर्मी के दीवाने. ओके हाय हाय हाय. अच्छा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लोग आने लग जाएंगे. मैंने तो ऐसे ही लाइव आ गई थी, मतलब उनके कहने पे. आई एम फाइन. आप कैसे हो? प्रिंस नाम है आपका. ओके, कैसे हो आप? कुछ लिखिए, कोई क्वेश्चन पूछिए तो मैं कुछ जवाब दे पाऊंगी. आई डोंट नो, अभी कोई आएगा नहीं आएगा. कोई आ जाता है तो चैट हो जाएगी, कोई नहीं आएगा तो बंद कर देंगे. बढ़िया है जी, मैं बढ़िया और आप? हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ. मुझे बार बार पास जाना पड़ रहा है, चार आंखें लगी हुई है ना इसलिए. कौन सा? कहां से हो आप? हिंदुस्तान से? आप कहां से हो? हाँ, मुझे जब लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो तो मुझे वो शाहरुख खान की मूवी याद आ जाती है. अच्छा, मैं तो यूएसए से हूँ. अच्छा, आप यूएसए से हो और आपको इंडियन आर्मी पसंद है? वाह वाह वाह, डायलॉग जुट नहीं हुआ, चेंज कीजिए. आई एम होपिंग जिन्होंने मुझे बुलाया है वो तो कम से कम आ जाए लाइव. मैं पाकिस्तान से हूँ. अच्छा, वेरी नाइस. मैंने कुछ कुछ वीडियोस देखे हैं पाकिस्तान के जिसमें आई थिंक सीनरी वगैरह बहुत अच्छी है, बस उससे ज़्यादा तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं. किसी ने इनविटेशन दिया? हाँ, कि मन्ना डे करके एक सब्सक्राइबर है, मुझे ये भी नहीं पता कि वो लड़की हैं कि लड़के हैं. आ गई हैं, देखो मन्ना डे इज हियर. और उनके कहने पे मैं आज लाइव आई हूँ. अदरवाइज मैं लाइव नहीं आती हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता कि मैं आगे बैठ जाऊँ तो लोग आएंगे नहीं आएंगे. और शुरू में जब मैं लाइव आती थी तो ज़्यादा करके लोग आते नहीं थे. क्यों इनविटेशन दिया कुछ स्पेशल? पता नहीं, ये तो मन्ना डे से पूछ लेते हैं. मन्ना डे जी, आप प्लीज़ बता दीजिए कि क्या ऐसे क्या इन्विटेशन था जो आपने मुझे स्पेशली बुला लिया लाइव. लोग पूछ रहे हैं, मुझे पता नहीं होता कि मैं लाइव में आके क्या बोलूं. तो अच्छा, तो इंडियन आर्मी जी बोल रहे हैं कि मेरा इनविटेशन ले लो और फिर रोज आया करो. स्कार्फ रैपिंग ट्यूटोरियल. अच्छा, ओके. अच्छा, उस समय जब आपने मन्ना जी लिखा था तो मुझे नहीं समझ में आया था आप क्या चाह रहे, मतलब आपका क्वेश्चन क्या है. तो स्कार्फ रैपिंग ट्यूटोरियल. ओके, मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाती हूँ स्कार्फ रैपिंग ट्यूटोरियल का. प्रॉपर वीडियो बनाती हूँ, लाइव पे करूँगी तो इतना पता नहीं चलेगा, सब मिक्स मैच हो जाएगा. मैं इधर आधा स्कार्फ पहन रही हूँ, आधा जवाब दे रही हूँगी. तो मैं आपके लिए प्रॉपर ट्यूटोरियल बना देती हूँ. ओके, सो मन्ना जी का एक वीडियो का रिक्वेस्ट था, सो दैट इज़ वाई शी वॉन्टेड कि मैं लाइव आऊँ और उसको लाइव करूँ. बट पॉसिबल नहीं हो पाएगा लाइव में क्योंकि सब मिक्स मैच हो जाएगा. तो मैं स्पेशली उनके लिए एक वीडियो बना दूंगी. मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है कि मुझे कोई सब्सक्राइबर आके पूछे कि आप ऐसा वीडियो बना दो वैसा वीडियो बना दो, तो मैं उसको बना देती हूँ और उनका नाम भी डालती हूँ उसमें. लाइव में करो ना प्लीज़ यार, अब तो स्कार्फ लेने जाना पड़ेगा. अच्छा, कल के लाइव में आई विल डू इट. मैं लोगों से बात कैसे करूँगी, मुँह बंद कर लूँगी. तो मेरा भी रिक्वेस्ट है, बताओ क्या रिक्वेस्ट है. ढंग का रिक्वेस्ट होना चाहिए.
आई एम वेटिंग आपके सवाल का. दूसरा रिक्वेस्ट क्या है यार? लाइव आना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज लाइव के लिए बड़ी डेडिकेशन लगती है. और मतलब डेडिकेशन ये लगती है कि आपको उतना टाइम निकाल के बैठना पड़ता है. वीडियो का ऐसे होता है कि जब आप कन्वीनियंट होते हो, फ्री होते हो, आप शूट कर लेते हो और फिर और भी ज़्यादा कन्वीनियंस में पोस्ट कर देते हो. तो इसलिए जो है लाइव में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. मैं कल मन्ना जी आपका आपके लिए स्पेशली स्कार्फ रैपिंग लाइव में भी कर दूंगी. बट मैं फिर बोलूंगी कैसे अगर मैंने स्कार्फ को रैप कर लिया पूरे फेस पे? तो स्कार्फ रैपिंग आप फेस के लिए चाह रहे हो ना? मेरी रिक्वेस्ट है डेली लाइव आओ. आपको डेली आना भी पड़ेगा ना, मैं अकेले लाइव में बैठ के क्या करूंगी? आप डेली आओगे लाइव में, मतलब मेरा लाइव सेशन अटेंड करोगे तो मैं आ जाऊंगी डेली. और कोई क्वेश्चंस, कोई कुछ पूछना चाहता है? चार लोग देख रहे हैं, कभी तीन हो रहे हैं, कभी चार हो रहे हैं, मतलब गरीबी छाए गए, लोग नहीं आ रहे. एटलीस्ट यार देखो जो आए हैं उनके लिए आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा था कि कोई भी आएगा. अच्छा वाह 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 वाह, पेमेंट देनी पड़ेगी तो मुझे क्या पेमेंट मिल रही है आने के लिए? यस मैम फेस रैपिंग. अच्छा पक्का, आई विल डू इट टुमारो पक्का. अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो भी कर दूंगी. कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो मुझसे, क्योंकि मैं बहुत लंबा लाइव सेशन नहीं कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मैंने मन्ना जी के लिए ही स्पेशल लाइव किया था. मन्ना जी आज नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी यहाँ सेटअप कर लिया है. कल पक्का, प्रॉमिस. देखो आपके कहने से मैं आ तो गई हूँ ना लाइव, और अभी मुझे स्टॉल भी ढूंढने जाना पड़ेगा और आपको यहाँ अकेले बैठना पड़ेगा, और मुझे पता ही नहीं है कहाँ रखा हुआ है स्टॉल. अगर यहाँ सामने पड़ा होता तो मैं कर देती. अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी मैं, बट मैं बहुत लंबा लाइव सेशन के लिए नहीं आ पाऊंगी, बिकॉज बहुत सारा काम होता है यार, तो इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है. छोटा सा बेबी है मेरा एक, तो अभी भी वो खेल रहा है तो मैं बैठी हूँ, मेरी नज़र कॉन्स्टेंटली है. कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो प्लीज़ पूछिए, मैं बैठी हूँ आंसर करने के लिए. ये ओ मेरे बेबी के लिए है. हाँ ओ क्यूट है ये. बट मैं उसको यूट्यूब में नहीं लेके आती हूँ. कई बार मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि आप अपने बेबी को दिखाएं. कल का टाइम मन्ना जी पूछ रहे हैं. ओके कल का टाइम मन्ना जी, मेरे को कल किसी काम से जाना है मॉर्निंग में, 12 बजे के करीब, 12 साढ़े 12 बजे मुझे काम से जाना है. तो उसके बाद वहाँ से मैं जैसे ही वापस आऊँगी मैं पहले अपने बेबी को सुलाऊंगी और फिर स्कार्फ लेके बैठ जाऊँगी आपके लिए. ठीक है पक्का, प्रॉमिस. क्या आपने क्या लिखा? गायब हो गया. क्या लिखा था? क्यों नहीं लेकर आओगे? हाँ क्यों नहीं लेकर आओगे बेबी को ना, क्योंकि यूट्यूब में कुछ तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं. और मतलब मैंने देखा है, मतलब बाकी के वीडियो, बाकी के व्लॉगर्स में मैंने ऑब्जर्व किया है कि क्या कहते हैं, मतलब जो अच्छे लोगों की तादाद है ना वो बहुत कम है, और जो ट्रोल्स की और जो मतलब हेटर्स की ज़्यादा तादाद होती है. एनीवेज मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है तो इतनी जल्दी मेरे पास हेट नहीं आता है. बट मतलब ना बेबी और फैमिली थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको, एक दुखती रग हो जाती है. अगर उस पर कोई आके प्रेस कर देगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा. वैसे भी यूट्यूब में मतलब फिर मन हट जाता है. नहीं नहीं नज़र की बात नहीं है, लोग ना उल्टा सीधा बोल देते हैं. अब एक यूट्यूबर है, उनका नया नया बेबी हुआ है, वो उनको मतलब लोगों ने बोल दिया कि आपका बेबी तक काला है. मतलब यार बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो क्यूट ही होते हैं, प्यारे ही होते हैं, और माँ बाप के तो अनमोल रतन ही होते हैं. किसने लिखा है?
मोहम्मद कैफ, हाय हाय, आई एम फाइन। ओके, मोहम्मद कैफ जी कुछ कह रहे हैं, अगर बाकी लोग रीड कर सकते हैं तो प्लीज उनके साथ दोस्ती कर लीजिए। इसलिए मैं नहीं लाती हूँ बेबी को। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि बेबी बहुत क्यूट होते हैं, तो किसी के बच्चे को यार ऐसे नहीं बोलना जी ये पतला है, मोटा है, या काला है, गोरा है। बच्चा तो बच्चा है, माँ के लिए तो वो ही सबसे ज्यादा है। तो इसलिए मुझे डर लगता है कि कल को कोई कुछ कह देगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे रातों रात नींद नहीं आएगी कि मैंने क्यों लाया यूट्यूब पे टाइप्स। हाय हेमू जी, कैसे हो आप? मैं कभी लाइव नहीं करती हूँ और आज मैंने लाइव किया है, तो आई एम सरप्राइज कि बड़े सारे लोग आ रहे हैं यार। हाउ स्वीट, थैंक यू आने के लिए। मुझे दिखा दो बाबू को। अच्छा, आप मुझे लाइफ इज प्रेशियस ब्लॉग्स इंस्टाग्राम पे हूँ मैं, आप वहाँ फॉलो कर लो मुझे, मैं आपको फॉलो कर लूँगी और आप देख लो वहाँ पे मेरे बेबी की फोटो है। हाँ, मन्ना ने क्या लिखा था कि डस्ट से बचने के लिए ना, मैम इट वॉज एसेंशियल फॉर डस्ट पोल्यूशन एंड सनशाइन। यस मन्ना, आजकल यस मन्ना, आजकल जो है धूल मिट्टी से जो है फेस बहुत खराब हो जाता है। और नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग इतना क्रीम व्रीम लगा के बाहर चले जाते हैं कि जब आप धूल मिट्टी में जाते हो तो वो जाके सीधा आपके फेस पे ही चिपक जाता है एंड आपके पोर्स को ब्लॉक करके फिर आपको एक्ने या पिंपल ये सब होने लगता है। तो फेस को कवर करना चाहिए। मैं ऑन दी अदर हैंड, मुझसे इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि क्या कहते हैं, मेरे को अगर नाक पे कोई ऐसे हाथ भी रख दे, मैंने कभी लाइफ में फेशियल भी नहीं कराया इसी मारे कि मतलब एक दो बार तो कराया होगा, बट वैसे रेगुलर जैसे लोग कराते नहीं करा पाते ना, क्योंकि कोई ऐसे हाथ रखे तो मुझे घुटन लगने लगती है, तो मैं इतना फेस नहीं बांध पाती हूँ। तो मैं आपको इतना वाला और इतना वाला दोनों ट्यूटोरियल बता दूंगी। हेमो जी क्या कह रहे थे कि क्यों नहीं आएंगे? हेमो जी पता नहीं ना, क्योंकि पहले मैं लाइव करती थी तो मुझे पता नहीं था कि लोग आएंगे नहीं आएंगे, तो मैं करती ही नहीं थी और मुझे मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या बोलूँ, लोग सवाल पूछेंगे नहीं पूछेंगे, इसलिए मैं नहीं आती थी। मन्ना डे, आप बाकी जितने भी ब्लॉगर्स और लोग आ रहे हैं मेरे चैनल पे, उनको आप फ्रेंड कर लीजिए और सबके वीडियोस देखिए, सब अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, मैं सबके वीडियोस देख चुकी हूँ। मन्ना कहाँ, मन्ना जी आपको पूछा जा रहा है आप कहाँ से हो बता दो। मन्ना का आई थिंक कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, शी इज मेरे को भी नहीं पता वो कहाँ से है, बट देन वो मेरे को मतलब फॉलो करके मुझे बुला रहे थे। मतलब शी इज सो कंसिस्टेंट, इतना मुझे स्वीट लगा कि एटलीस्ट 5-6 टाइम्स डेली वो वेट करती थी कि मैम एक दिन आप लाइव आ जाओ और लाइव आ जाओ। तो मेरे को पहले लगा कि वो मुझे बोल रही है कि मैं स्कार्फ का ट्यूटोरियल बनाऊंगी आप देखना, बट वो ऐसा नहीं था, वो मुझे बोल रही थी कि आप बनाओ। तो मुझे नहीं समझ में आया, मैंने मिसकम्युनिकेट हो गया, वो मिसअंडरस्टैंड हो गया। कोई कुछ लिख रहा है यार। अच्छा, मन्ना इज फ्रॉम त्रिपुरा गाइस, त्रिपुरा से है मन्ना। देखो मन्ना कितने सारे दोस्त बन गए आपके आने से, सबसे दोस्ती कर लो, बाकी लोग तो शायद आपस में दोस्त होंगे। यूट्यूब पे दोस्ती का बड़ा वो चल रहा है आजकल। चलो ना कुछ क्वेश्चंस पूछो ना, कुछ इसको इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं, तब तक और लोग आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे को जाना भी पड़ेगा, गर्मी लग रही है मुझे ऊपर से। किसी को कुछ पूछना है, कुछ पूछो ना कि फैमिली में कौन है, अपना बताओ, फैमिली में कौन कौन है, कहाँ रहते हो? मैंने तो बता दिया हिंदुस्तान में रहती हूँ मैं, तो शाहरुख खान की मूवी याद आ जाती है, चक दे इंडिया। तो अगर किसी के पास कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो मैं जाऊं। मैं सारे मैसेजेस चेक कर रही हूँ, कोई मिस तो नहीं हो गया? अच्छा, हेमू जी कह रही है अभी दिखा दो बेबी को। अरे यार, वो इस हालत में नहीं है कि मैं अभी दिखा सकूं, थोड़ा सा क्यूट तो बन गया है।
आपके मैसेज मिस कर दिया मैंने, देखती हूँ क्या है वो ऊपर, पता है आता है और भाग जाता है, फिर मेरे को ऐसे आगे आके देखना पड़ता है क्या है, क्या लिखा था आपने, मुझे दिखा दो बाबू को, अभी दिखा दो बेबी को, मेरे क्यूट प्रिंस को देखना है, ये तो हेमू जी ने कहा है। मन्ना डे बताया तो मन्ना कहाँ से है, लास्ट तो मैसेज यही है कि मन्ना कहाँ से है, त्रिपुरा से। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? अच्छा मुझे कोई ये बता सकता है कि जब आप लोगों ने YouTube शुरू किया था तो हर कोई शुरू से ट्राइपॉड वगैरह तो लेके नहीं बैठा होता, तो किसने क्या यूज़ किया था अपने फ़ोन को सपोर्ट करने के लिए कि मैं वीडियो बना सकूं, कोई बता सकता है? मन्ना आप क्या करते हो आप, आई मीन योर इन स्कूल कॉलेज, शादी हो गई, वर्किंग, शादी नहीं हुई, कुछ बताइए अपने बारे में। आई गेस अब मैसेजेस रुक गए हैं, स्टिल पीपल आर वॉचिंग। अच्छा मना स्टिल इन कॉलेज, ओके कॉलेज में पढ़ रहे हो आप, वॉट आर यू डूइंग, आई मीन क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीच में ना कुछ टाइम से इधर उधर हो रहा था मेरा, वीडियोस बनाने में और सब करने में, तो प्रैक्टिकली मैंने एक तरीके से मतलब रोज़ सोचती थी कि कोई वीडियो बनाऊंगी, कोई रिव्यू बनाऊंगी, बट देन पता नहीं क्यों वो रह जा रहा था और मैं कर नहीं पा रही थी, और अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 1 या 2 महीने हो गया। ओ वाओ मन्ना डूइंग BSc सेकेंड ईयर, ग्रेट यार, बेस्ट ऑफ लक फॉर आगे के साल भी। सो आज मन्ना के कहने पे मेरी नींद खुली है इतने दिनों के बाद, तो मैं आ गई हूँ ऑनलाइन। साइलेंट वॉचर्स कौन है यार, कुछ क्वेश्चन पूछो, कुछ बोलो तो सही। आगे चुपचाप मेरी शक्ल देख रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हो, सवाल नहीं बोल रहे। मन्ना आप भी बहुत स्वीट हो, आप अगर मेरे को इतना वो नहीं करते ना कोक्स, जैसे भगवान बोलता है ना कि जाओ जाओ आपको मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि कोई आपको फोर्स करता है कि जाओ और आप वीडियो बनाओ, आपको लोग पूछ रहे हैं अभी तक आप खुशती हुए हो, अभी पुराने पुराने दिवाली का पटाखा नहीं हो जो अभी जलाने से खुश हो जाता है, मतलब मेरी बात समझे ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ एग्जैक्टली, मैं आपको पटाखे से नहीं कंपेयर कर रही। वॉट आई मीन टू से इज़ कि मतलब वो इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा था, बट आपने जगा दिया फिर से, तो सो स्वीट ऑफ यू, और मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और मैं लाइव में भी आपको 1-2 steps करके दिखाऊंगी, बाकी मैं प्रॉपर वीडियो आपके लिए बनाऊंगी ताकि आप उसको रिवाइंड कर करके देख सको। तो मन्ना अब मैं चल, हाँ क्या आज ये करो वो रैपिंग वाला, यार पता है अंदर पड़ा हुआ है वो स्कार्फ और मुझे पता भी नहीं है कहाँ पड़ा हुआ है, तो मैं पक्का करूँगी ना, थोड़ा सा प्रिपेयर होके कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और देखो आपने कहा तो मैं आई ज़रूर हूँ और मैं कल भी आऊँगी पक्का, प्रॉमिस, मैं धोखा नहीं दूंगी, जैसे 2-3 दिन से मैं बोल रही थी कल आऊँगी मैं, कल मुझे 12:30-12 बजे काम जाना है, उसके बाद मेरे को अगर जितने सुनाई दे रहा है, मेरा बेबी चिल्ला रहा है, अब उसका वो टाइम हो गया कि मम्मा वापस आ जाओ टाइप्स, तो मैं अब चलती हूँ और मैं कल पक्का करूँगी आपका ये वीडियो, मैं लाइव में ही करूँगी, डोंट वरी, ओके प्रॉमिस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय लाइव सेशन, और
ये वन ऑन वन चैट भी हो गया और मुझे अच्छा लगा कि इतने सारे लोग आ गए, मैंने सोचा नहीं था कि कोई आएगा, तो नाइस सरप्राइज एंड थैंक यू सो मच मन्ना। ये लाइव सेशन आप ही को डेडिकेटेड है और आपका नाम भी मैंने टाइटल में डाला हुआ है, तो जब ये सेशन लाइव जाएगा तो आपका नाम ज़रूर होगा उस पर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। और कल मैंने मन्ना को प्रॉमिस किया है तो आई विल बी कमिंग टुमारो, तो कल मिलते हैं। हाँ हाँ मैं आपको मन्ना इन्फॉर्म कर दूंगी, आप से तो मेरी चैट होती रहती है। बाकी आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लाइफ इज प्रेशियस ब्लॉग्स, लाइफ इज प्रेशियस ब्लॉग्स इंस्टाग्राम पे अगर आप हो तो आप मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली चैट भी कर सकते हो। ओके अब मैं चलूँ, बाय बाय। अभी भी कोई देख रहा है, कौन है, कोई आए हो और बोल नहीं रहे हो तो सरप्राइजिंग। एनी वेज थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, इन्जॉय करना अपना बिग बॉस, देखना जो लोग देखते हैं, जो नहीं देखते हैं वो इन्जॉय करना, जो भी आप देखते हो उसको देखते, बाय बाय।